आज हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग से हमें नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है। तो ये कैसे सर्च हुई, कैसे पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इनसे कुछ क्लू मिला कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन लिया और दूसरा आर स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन की कॉलोनीज बिल्कुल स्मूथ बनती हैं, एकदम स्मूथ, इसलिए इसका नाम एस स्ट्रेन रखा गया। जबकि आर स्ट्रेन की जब कल्चर किया जाता है तो इनकी कॉलोनीज ऐसे रफ बनती हैं, इसलिए इसको आर स्ट्रेन कहा गया। एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, यानी कि ये डिजीज काज करता है, और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है, यानी कि ये डिजीज काज नहीं करता, बीमारी नहीं फैलाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोटिंग हुआ करती है, पॉलीसेकेराइड का म्यूकस होता है और उसकी कोटिंग होती है। लेकिन जो रफ बैक्टीरिया होता है, आर बैक्टीरिया होता है, उसके ऊपर इस तरह की कोई कोटिंग नहीं होती है। ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस को बीमारी हो गई और माइस की डेथ हो गई। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को माइस को इंजेक्ट किया, माइस को कोई बीमारी नहीं थी, माइस लिविंग था। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया और इसको गर्म कर दिया, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बैक्टीरिया मर जाता है। अब इसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस को कोई भी बीमारी नहीं हुई और माइस लिविंग था। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और उसके साथ में लिविंग आर स्ट्रेन लिया, और लिविंग आर स्ट्रेन को हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में थोड़ा सा इनक्यूबेट किया, यानी थोड़ी देर रखा। इसके बाद आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में और माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया हुआ था और लिविंग आर स्ट्रेन लिया हुआ था, लेकिन जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो माइस को डिजीज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इनके दिमाग में आया कि हमने तो लिविंग आर स्ट्रेन लिया था, एस स्ट्रेन डेड लिया था, तो माइस की बॉडी में लिविंग एस स्ट्रेन कहां से आ गए। इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ होना चाहिए जो आर स्ट्रेन के अंदर गया और आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में।